सरकार द्वारा दिए गए उस पैकेज का स्वागत करते हैं, पर ये साफ है कि ये बहुत कम है कोरोना से लड़ाई लड़ने में। पर क्या 500 रुपया में 5 या 6 आदमियों का परिवार अपना पेट पाल पाएगा? हमारे डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा राशि तो स्वागत योग्य है, परंतु आज वो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको दुगनी तनख्वाह क्यों ना दी जाए? इस समय डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी अपने परिवार का पेट पालना है। प्याज, आलू, दाल, दूध ऐसी वस्तुएं मिल ही नहीं रही पूरे देश में लोगों को, और मिल रही है तो 4-4 गुना रेट के ऊपर। यहाँ तक कि आम मसालों की जो कीमत है वो भी बढ़कर 5-5 गुना हो गई है। लोग अपना घर कैसे चलाएं? आज सरकार ने एक पैकेज की घोषणा की। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सरकार द्वारा दिए गए उस पैकेज का स्वागत करते हैं, पर ये साफ है कि ये बहुत कम है कोरोना से लड़ाई लड़ने में, और गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों, डेली वेजर्स, टेम्परेरी एम्प्लॉयज, ठेले वालों, रेडी वालों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिशरमैन, उनकी जिंदगी और जीवन यापन के लिए आज जब पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने किसान को 1 अप्रैल को 2000 रुपया देने का निर्णय तो पीएम किसान योजना में किया, पर यह राशि तो 6000 रुपया सालाना है, 4000 रुपया काट क्यों लिया गया? पूरी 6000 रुपया राशि ही 1 अप्रैल को इस संकट की घड़ी में किसान को क्यों नहीं दी जा रही? ये हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है। और सोनिया जी ने कहा है कि ये राशि कम से कम 7500 रुपया होनी चाहिए, 6000 रुपया के अलग, तभी किसान के हम आंसू पहुंच पाएंगे। और वो किसान जो खुद मालिक नहीं जमीन का और वो काश्त करता है जमीन ठेके पर लेकर, उसको तो एक फूटी कोड़ी राशि नहीं मिलेगी। और खेत मजदूर जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, उसे क्या मिलेगा? प्रश्न ये है। और आज फसल कटने के लिए तैयार खड़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि में तो इस समय कटाई पूरे यौवन पर है, और पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रांतों के अंदर भी अब आ जाएगी। तो ऐसे में ये बताइए कि कटाई का क्या इंतजाम है? सारी मंडियां बंद पड़ी हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी एजेंसियां खरीद के लिए सामने नहीं आ रही। अगर किसान फसल की कटाई को 20 या 25 दिन मुलतवी कर देगा तो उसकी खड़ी फसल का 40% नष्ट हो जाएगा, और ऐसे में पूरे साल की उसकी कमाई की भरपाई कौन करेगा? क्या आप ये समझते हैं कि पूरे देश में इस समय 334 लाख हेक्टेयर में अकेले गेहूं की फसल खड़ी है, सरसों और दूसरी रबी की फसलें अलग रह गई। पंजाब में 130 लाख टन, हरियाणा में लगभग 93 लाख टन, यूपी में 37 लाख टन, मध्य प्रदेश में लगभग 68 लाख टन, इस सारी फसल की कटाई कैसे होगी? कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से है, फसल कटाई का और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप उपयुक्त इंतजाम करें, तभी किसान अपनी जिंदगी जी पाएगा। जनधन खातों में 3 महीने के लिए 500 रुपया हर महीने डालने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं, पर क्या 500 रुपया में 5 या 6 आदमियों का परिवार अपना पेट पाल पाएगा? इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह मांग रखी थी कि न्याय योजना लागू की जाए, या हर जनधन खाते में हम हर एमजी नरेगा के मजदूर श्रमिक के खाते में, हर पेंशन अकाउंट के अंदर एक बार में एक मुश्त राशि 7500 रुपये की डाली जाए। 7500 में से आपने केवल 500 स्वीकार किए, ऐसे लोगों की जिंदगी चलेगी कैसे? और केवल ये नहीं, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री देने का निर्णय किया है। आप खुद निर्णय कर सकते हैं, एक व्यक्ति एक दिन में 3 जून की रोटी खाए तो लगभग 500 ग्राम अनाज खाता है, 21 दिन में यही 10 किलो की राशि बनती है। हर व्यक्ति को हमारी ये मांग है, अगले 21 दिन में 10 किलो मुफ्त अनाज, चावल या गेहूं दिया जाए, तभी वो अपना और परिवार का पेट पाल पाएगा, और कम से कम 5 सदस्यों के परिवार को 3 किलो दाल दी जाए, नहीं तो
हम उसको अपने रहमो करम पर छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा राशि तो स्वागत योग्य है, परंतु आज वो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको दुगनी तनख्वाह क्यों ना दी जाए। इस समय डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी अपने परिवार का पेट पालना है। कृपया उनके लिए कुछ कीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए, वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, कोई राहत की घोषणा नहीं की गई। बैंकों की ईएमआई 30 जून तक मुलतवी क्यों नहीं की जा रही। सरकारी इंप्लॉयज ने जो लोन लिया है उसकी जो किश्त कटती है उसे 30 जून तक क्यों मुलतवी नहीं किया जा रहा, और उस पर लगने वाले ब्याज को भी मुलतवी किया जाना आवश्यक है। इसके साथ साथ चारों ओर कालाबाजारी हो रही है हैंड सैनिटाइजर्स की, मास्क की, प्याज, आलू, दाल, दूध, ऐसी वस्तुएं मिल ही नहीं रही पूरे देश में लोगों को, और मिल रही है तो 4-4 गुना रेट के ऊपर। यहां तक कि आम मसालों की जो कीमत है वो भी बढ़कर 5-5 गुना हो गई है। लोग अपना घर कैसे चलाएं, इसलिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उन सारे काला बाजारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आम रेट पर सब्जी, दाल, प्याज, आलू, लहसुन और दूसरी चीजें आम आदमी को मिल सके। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, जो छोटे छोटे मध्यम उद्योग हैं, दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनका धंधा ठप हो गया, उनके पास कोई काम बचा नहीं, उनके लिए सेक्टर वाइज एक विशेष पैकेज की घोषणा की आवश्यकता है, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आपसे आग्रह किया है। कोरोना वायरस से इस लड़ाई में पूरा देश इकट्ठा है, कोई राजनीतिक मतभेद नहीं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देशवासियों की ओर से हम हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करते हैं कि इन सारी बातों पर ध्यान दें, किसान पर ध्यान दें, दिहाड़ीदार मजदूर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर ध्यान दें, फैक्ट्री वर्कर पर ध्यान दें, 5 लाख ट्रकर जो अपने अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं उन पर ध्यान दें, छोटे छोटे दुकानदार और व्यवसायी पर ध्यान दें, और फसल की कटाई और उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ध्यान दें। When today announced a package to give relief to the vulnerable sections of the society, including to pensioners and others. However, may we respectfully and humbly and not in a sense of criticism say, it is too little too late. Kisan has been now offered a sum of ₹2,000 through PM Kisan accounts on 1st of April. But Prime Minister, Kisan is supposed to be paid a sum of ₹6,000 as under the PM Kisan Yojana as per your own announcement, bereft of the coronavirus. Why cut ₹4,000 now? Kisan should be paid all ₹6,000 now on 1st April. And Srimati Sonia Gandhi had suggested a payment of ₹7,500 over and above the ₹6,000. Kindly, we humbly request to consider it. And how should the standing crop of the farmer be harvested is the principal question. Do you even know, and I'm sure you know, that 334 lakh hectares of wheat is now ready to be harvested in India alone. The about 130 lakh hectare in Punjab, 93 lakh hectare in Haryana, 37 lakh hectare in UP, about 68 lakh hectare in Madhya Pradesh and in other states. But all the grain markets are shut. Food Corporation of India has not come forward with procurement. No bag, gunny bags are currently available for the farmer. How should the farmer now harvest and take his crop to the market, for he cannot wait until the 14th of April? Do we understand that if farmer was to delay harvesting by up till 15th of April, he will lose 40% of standing crop from which he will never be able to recover? So for heaven's sake, we request you, in a sense of spirit and cooperation of the entire country, that please listen to the woes of the farmers and ensure that harvesting and procurement goes on as lockdown also goes on. Please declare harvesting and procurement operations as part of essential services. And what about giving relief to those who have taken land on lease and are cultivating the land? Not a single rupee of relief has been given to them. What about farm laborer who are poor people, largely SC STs,
who cooperate with the farmer, they are not being given any relief. So please consider these aspects. Secondly, we are only giving rupees 500 per month for 3 months in the Jan Dhan accounts. Shrimati Sonia Gandhi, as also all social scientists have suggested, at least rupees 7,500 as a one-time measure so that they can take care of themselves and their families. Rupees 500 would be an amount which will give no benefit to these sections, for they will not be able to make both ends meet. For heaven's sake, please reconsider this amount and increase it to rupees 7,500. The ration of rupees 5 kgs per person that is being given is insufficient. If a person was to eat 3 meals a day, it would be 500 grams at least. You multiply it by 21 days, it becomes 10 or 11 kgs. So at least give 11 kg of wheat or rice free for these 21 days and then supplement it by additional quantities. For a family of 6 or 7 members, 1 kg of dal for a month is wholly insufficient. At least give 3 kgs if not 5 kgs of dal so that they can make both ends meet. And not that alone. What about the wholesale black marketing that is happening of hand sanitizers, of masks, and the surging prices of vegetables, of potatoes, of onions, of tomatoes, and of all essential commodities? Nothing is available in the markets. Please ensure that the black marketeers are punished and these goods are available at decent prices. This will only happen when you declare mandis to be essential services, permit milk and vegetables and these essential products to come in and to be distributed freely to people who are staying indoors as per the call given by you. Lastly, the salaried class is hurting. Please give relief in EMIs by deferring all EMIs up to 30th of June and waiving interest thereupon. Similarly, waive installment payments and interest on government loans for government employees. And to last but not the least, the medium and small enterprises, the small shopkeepers have all lost their livelihoods. Please give a sector-wise package to them so that some relief comes. Only then the health crisis of Corona and the economic pandemic of Corona both need to be addressed simultaneously. The Congress party stands united with you, but for heaven's sake, please reconsider the package, as also incorporate the suggestions that we are giving to you, not by in a bipartisan or political fashion, but in a spirit of cooperation and unity. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.